स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियंस, मुझे लग रहा है द हर्मिट से आप अपने पार्टनर से तंग आ चुके हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो बार बार कमिटमेंट करके आपसे तोड़ रहा है। द हर्मिट के साथ बगल में यहां टू ऑफ पेंटिकल्स है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब भी आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, आपके पार्टनर आपको प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा उनसे ये गलती नहीं होगी, और फिर वो ये गलती करते हैं। ओके और ये चीज आपके दिलो दिमाग पे बोझ बनती जा रही है। ये रिलेशनशिप आपके दिलो दिमाग पे बोझ बन गया है। आप इस रिलेशनशिप में अब खुश नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ अच्छा होता है आपको यही डर लगा रहता है कि दोबारा से आपका पार्टनर जो है वही रवैया तो नहीं अपनाएगा। यहां कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहां पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर जो है आपसे बार बार प्रॉमिस करते हैं कि वो इनसे छुटकारा पा लेंगे, या इस पर्सन में वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो इनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका उन पे डाउट बन जाता है। ओके और फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहां एक और रीजन है। मेरे ख्याल से आपके ऊपर परिवार के भी सारे बर्डन्स आप ही के ऊपर हैं। आपको फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से आपके कंधों पे है। वैसे ये टेम्पररी रीडिंग्स होती हैं, तो ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप इयरली 2021 की रीडिंग अगर देखना चाहें और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और इस ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। यहां पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में, आपको पता है, लेकिन हर बार आप उन्हें एक मौका जरूर दे देते हैं। अपने दिल के हाथों आप मजबूर हैं और मौका देते हैं, फिर भी आप एक अलर्ट मोड पे हमेशा रहते हैं। एक सेल्फ डिफेंस आपके पास हमेशा रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। ओके तो यहां पे बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आप अपने दिल की सुनते हैं, उस काम को आगे ले जाते हैं, रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं, लेकिन फिर आप उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने दिमाग की भी सुन रहे हैं। आपका दिमाग आपको लगातार बता रहा है कि ये दोबारा हो सकता है, इस पर्सन पे आपको नजर रखने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। द हर्मिट के साथ एक साइड से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा निभा के थक गए हैं, अपने पार्टनर की हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही उठा रहे हैं, और ये चीज बुरी तरह से आपको फेड अप कर रही है। चलिए और रीडिंग्स देखते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियंस मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस,
एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सो एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप में से आप बाहर आना चाहते हैं। ये जो पहला पर्सन है ये आपको उतना स्पेशल नहीं फील कराता जितना आप डिजर्व करते हैं। आप जितना एफर्ट दे रहे हैं दूसरी तरफ से उतना नहीं मिल रहा। अगला कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। हो सकता है स्कॉर्पियंस आप खुद किसी नए पर्सन के और करीब आ रहे हो, कोई नया पर्सन ऐसा जो आपको अप्रोच करे या आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो करे, आप उससे फ्रेंडशिप करेंगे और ये फ्रेंडशिप जो है धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाएगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन कल मेरा पार्टनर होगा, लेकिन ये फ्रेंडशिप जो इस वीक में शुरू होगी हो सकता है फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में बदल जाए। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स का। टेन ऑफ कप्स के साथ आप हैप्पी हैं और फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ। अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो भी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि फैमिली को पता है कि फॉल्ट किसका है, चाहे आपकी अपनी खुद की फैमिली है या आपके पार्टनर की फैमिली। यहां पे सबको पता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बार बार कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उस चीज को आप किस हद तक टॉलरेट करेंगे और कितना टॉलरेट करते हैं। यहां किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर एक तरीके का भरोसा है। शायद आप समझ गए हैं कि इस टू ऑफ पेंटिकल्स के चक्र को कैसे ब्रेक करना है। आप जानते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप चाहे परमानेंटली निकलना चाहें या टेम्पररी कुछ समय के लिए इस पर्सन को इग्नोर करना चाहें, लेकिन आपको इस पर्सन से दूर जाना होगा अगर आप अपनी अच्छाई चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ रिलेशनशिप में रह के आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे थे, आपका खुद पे से भरोसा खत्म हो गया था, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। ये पर्सन हमेशा आपको ब्लेम करता था और आपको ऐसा लगता था कि गलती कहीं ना कहीं आप ही की है। आपको ऐसा लगता था कि आप में कुछ कमी होगी तभी ये किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चीज आपको समझ आ जाएगी इस वीक और आप कुछ फाइनल फैसला लेना चाहेंगे। किंग ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर एक नया डिटर्मिनेशन है। अभी तक आप कमजोर फील कर रहे थे, अभी तक आप अकेला फील कर रहे थे, लेकिन अब किंग ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर वापस से कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए ओरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। स्कॉर्पियो, मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस, हार्ट्स डिजायर्स, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप जो फील कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़िए। किसी की ओपिनियन की आपको जरूरत ही नहीं है इस वक्त।
आप प्रोटेक्टेड भी हैं, बिल्कुल खुल के आगे बढ़िए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और कोई कुछ बुरा कर नहीं सकता आपका, ओके। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आप हमेशा से चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।